क्या किया स्पेशल और क्या करेंगे, कोई योजना और प्लान उन्होंने नहीं दिया, ना कोई गारंटी दे रहे हैं और ना बता रहे हैं कि आपको दिया क्या। यही हालात पूरे देश के हैं। घमंड सातवें आसमान पर है बीजेपी के नेताओं का। रोज मुंह में गालियां भरकर गालियां देते हैं कांग्रेस के नेताओं को। पूरा राजस्थान जानना चाहता है बीजेपी के लोगों, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बयान देते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो, कांग्रेस के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हो। खुद का एक काम तो बताओ कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बीजेपी है, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए जिम्मेदार बीजेपी है, पूरे देश में डॉलर के मुकाबले जो रुपया पिटा उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार नहीं मिला उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, 15 लाख और अच्छे दिन देंगे उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है, 1 पैसा देश के और राजस्थान के किसानों का माफ नहीं किया उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी बताए उनका प्लान क्या था। इस देश में किसान आंदोलन हुआ और बीजेपी ने 1 वर्ष तक किसान सड़क पर बैठा रहा, किसानों की मौत हो गई बड़ी तादाद में, उसके बाद एंड में बीजेपी ने माफी मांगी, किसान को कुछ नहीं मिला। बीजेपी सिर्फ बात करती है नारों से और मुद्दों पर, इलेक्शन मैनेजमेंट से चुनाव जीतना चाहती है। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी जिस तरह की मनमानी कर रही है, जिस तरह के बोल बोल रही है, आज तक बीजेपी ने राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो माफ करने योग्य नहीं है। चर्चा हमारी योजना की है, क्योंकि हमारी योजना जमीन पर आ गई और बीजेपी की कोई योजना जमीन पर नहीं आई। ये फ्री दवा, फ्री इलाज, ये OPS, ये बसों में फ्री, ये सब हमारी योजना है और बीजेपी की एक ही योजना है, कैसे भी टारगेट पे लो। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, अब चुनाव आयोग को चुनाव के समय में जिस तरह से सारी शक्तियां चुनाव आयोग में चली जाती है आचार संहिता लगते ही, ये भी तय कर लेना चाहिए अब चुनाव आयोग को, जहां राज्यों में चुनाव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नई रूल, और पुराने रूल तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी तय कर दे कि जब कोई कैंडिडेट घोषित हो जाए, जिस राज्य में चुनाव घोषित हो जाए, वहां चाहे राज्य की जांच एजेंसियां हो चाहे केंद्र की जांच एजेंसियां हो, वो चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है। जब पुलिस डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता, पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं बदल सकते, तो आप मुझे बताइए ये जांच एजेंसियां लोगों के घरों में कैसे घुस सकती है। चाहे वो हमारी राज्य की एजेंसियां हो, जो उम्मीदवार बन चुके हैं और चुनाव मैदान में जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, दोनों पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, चुनाव के वक्त में चुनाव को प्रभावित करने के लिए राजस्थान की सरकार की एजेंसी हो चाहे भारत सरकार की एजेंसी हो, राजस्थान सरकार की एजेंसी में तो किसी में इतना दम ही नहीं है कि भारत सरकार के मुकाबले खड़ा हो जाए, क्योंकि हम तो आचार संहिता में आ गए, तो राज्य की एजेंसियां तो आचार संहिता में, और केंद्र की एजेंसियां आचार संहिता लागू नहीं होती। आप राज्य की किसी एजेंसी से कहकर देख लो, क्या हम राज्य की एजेंसी से कह सकते हैं, क्या राज्य की एजेंसी किसी बीजेपी के नेता के घर में घुस सकती है? नहीं घुस सकती, क्योंकि उसके ऊपर चुनाव आयोग लागू है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जब राज्य की एजेंसियां SOG हो, CID हो, आपके ये एंटी करप्शन हो, इनके ऊपर यदि चुनाव आयोग है, तो क्या केंद्र की एजेंसियों के ऊपर चुनाव आयोग नहीं है? चुनाव आयोग क्या केंद्र की एजेंसियों से छोटा है? ये बड़ी बहस का मुद्दा है, ये कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा सवाल है, ये भारत का सवाल है, देश के संविधान का सवाल है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरी आवाज सुने, इसमें सुप्रीम कोर्ट के लोगों को, जजेस को, पत्रकारों को, वकीलों को, सबको आगे आना चाहिए, देश को आगे आना चाहिए कि यदि राज्यों के अधिकार खत्म हो जाते हैं चुनाव के वक्त, तो उन राज्यों में केंद्र के भी अधिकार समाप्त होने चाहिए। जब राज्यों के अधिकार समाप्त हो गए चुनाव के वक्त, तो केंद्र के अधिकार समाप्त क्यों नहीं होंगे? फिर चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? फिर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। केंद्र सरकार भी राज्य के चुनाव में इंटरफेयर नहीं कर सकती, केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती।
केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं है। इस वक्त केंद्र सरकार यदि दिल्ली में बैठकर केंद्र का कोई भी नेता देश के लिए यदि कोई योजना जारी करता है, कोई प्लान पेश करता है और वो योजना लागू की जाती है चुनाव के दौरान, तो फिर तो चुनाव प्रभावित हो गया ना। आप तो इससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। सारी केंद्र सरकार की पावर राजस्थान में यूज में ली जा रही है, केंद्र सरकार अपने पूरे अधिकार प्रयोग में ले रही है, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारों पर रोक है। मुख्यमंत्री और मंत्री सब आचार संहिता में आ गए हम, लेकिन केंद्र के मंत्री आचार संहिता में नहीं आए। तो चुनाव आयोग को, केंद्र के मंत्रियों को, केंद्र की सरकार को अपने उसमें आचार संहिता के अधिकार में लेना चाहिए कि राजस्थान के राज्य में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहां पे चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, तो उन राज्यों में चुनाव आयोग की पावर केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री और किसी भी नेता और सरकार, केंद्र की सरकार से ज्यादा होनी चाहिए। और केंद्र सरकार को इन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोई कार्रवाई करनी है जिससे पॉलिटिकली मैसेज जा रहा है, तो उनको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी चाहिए। और यदि वो नहीं ले रहे हैं तो चुनाव आयोग को हिम्मत दिखानी चाहिए, नोटिस जारी करना चाहिए केंद्र सरकार को, और ये कहना चाहिए कि आप यदि कोई भी एक्शन लेते हैं किसी भी राज्य में तो आप हमको सूचित करें, हमसे परमिशन लें। छोटे से एक आप बताइए, एक टेक्निकल कर्मचारी के लिए भी ट्रांसफर के लिए राज्य सरकारों को परमिशन लेनी पड़ेगी, और भी राज्य सरकार मंत्री नहीं लेगा, परमिशन डीजी को उसको लेनी पड़ेगी। आप एक आदेश पर एसपी हटा देते हैं, क्योंकि एक घंटे में वो जो पोर्टल है चुनाव आयोग का उस पर एक्शन नहीं होता है, और एक एसपी हटा दिया जाता है जो मेरे पास सूचना है। और ये चीफ सेक्रेटरी को हटाने के बाद विपक्ष के नेता राठौड़ साहब पता नहीं कितने चर्चा में रहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को हटा दो। हमने कब मना किया, लेकिन बनाया तो आप नहीं है, राजस्थान की सरकार ने लिखकर भेजा था, अब आपके दर्द चालू क्यों हो गया? आपको चर्चा में रहना है, आपको खुद के माथे को। अरे केंद्र सरकार के हाथ में तो पूरी पावर है, आप चीफ सेक्रेटरी हटाना चाहते हो तो चीफ सेक्रेटरी राजस्थान की सरकार ने तो लिखकर भेजा था, परमिशन केंद्र सरकार के ठप्पे से बनी है चीफ सेक्रेटरी। कांग्रेस की सरकार ने अखबारों में क्लियर करो, राठौड़ साहब इतनी ऊंची ऊंची मत दिया करो, इतनी फेंकते हो, ये भी बता दो कि तब आपकी चल नहीं रही थी क्या केंद्र में? आज आप कह रहे हो चुनाव आयोग से, तो आप केंद्र सरकार ने क्यों लगाया ठप्पा? आप गलत है, आप हर बात में माहौल पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। बीजेपी काम के आधार पर नहीं, सच्चाई ईमानदारी के आधार पर नहीं, सिर्फ माहौल बनाकर और गलत माहौल पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। सारी पावर बीजेपी मजे ले रही है केंद्र की पावर की, और चुनाव को अपने हिसाब से लड़ना चाहती है। बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन आफ्टर ऑल राजस्थान की जनता को वोट करना है, जनता के सब समझ में आ रहा है, जनता हमको वोट करेगी और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। रास्ते आप मुझे ये बताइए, ये इतनी मोटी मोटी पावर जिनको मान रहे हैं, जिनके नीचे जमीन नहीं है, यदि वो चले गए फिर भी बीजेपी का माहौल नहीं बन रहा। बीजेपी के एमएलए के उम्मीदवार जहां पर जा रहे हैं लोग हाथ में काला करके खड़े हैं, कोई कपड़ा मुंह पे फेर देता है, कोई कांच तोड़ देता है, हालात बीजेपी के जस के तस हैं। और बीजेपी की हालत ये है कि बीजेपी कोई चला जाए उसका ना तो बैकग्राउंड पता कर रही है, ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन करा रही है बीजेपी कि जिनको कईयों को तो जानते हैं लोग, कईयों को बिल्कुल नहीं जानते हैं लोग। तो बीजेपी तो अभी घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी ये इससे भी माहौल बनाना चाहती है, देखो हम इसको ले आए, हम उसको ले आए, उससे होगा क्या? पब्लिकली बीजेपी अपना काम नहीं बता पा रही, बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट के आधार पर लड़ना चाहती है, माहौल बनाकर, देखो ये आ गया, वो आ गया, सब हमारी तरफ आ रहे हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं, क्योंकि आप हार रहे हैं, डर रहे हैं, इसलिए लोगों को ला रहे हैं। आप माहौल बनाना चाहते हैं अपना बीजेपी के लोगों, बीजेपी का माहौल नहीं है, घर घर में चर्चा नहीं है, घर घर में हमारी योजनाओं की चर्चा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलीफ आज भी उनको मिल रहा है, क्योंकि योजनाएं तो पुरानी है, किसी के पेंशन आ रही है तो आज भी आ रही है, दवाई मिल रही है तो आज भी मिल रही है। एक और गड़बड़ होगी, मैंने अधिकारियों से कहा चिरंजीव योजना में मैंने
सब अधिकारियों से कहा राजस्थान के, चुनाव आयोग से भी मैं खुद जाकर मिलूंगा। चिरंजीव योजना बंद नहीं हो सकती, आप किसी का इलाज नहीं रोक सकते। आप बताइए, कोई भर्ती हो गया उसके पास पैसे नहीं है और आप चिरंजीव योजना कैसे बंद कर दोगे? चिरंजीव योजना क्या कांग्रेस की योजना है क्या? वो सरकारी योजना है राजस्थान सरकार की। इस दौरान क्या बीमार नहीं होगा कोई चुनाव के वक्त में? बीमार होगा तो उसको करना ही पड़ेगा। अब आप अचानक चालू करोगे नहीं तो उसके झंझट हो जाएगा। इस पर भी हम चुनाव आयोग से मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि केंद्र सरकार के पावर भी जैसे हमारे सीज में वैसे होने चाहिए, जिससे इलेक्शन बहुत फेयर तरीके से हो। सर, आपको तो खुश होना चाहिए, बीजेपी तो हमेशा बोल रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त राजस्थान, लेकिन अब कांग्रेस की करण बीजेपी का हो रहा है। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। आप बताओ, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, नाम डॉक्टर सीपी जोशी, पहले तो फोटो लगा दी हमारे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की लोगों ने पूरे राजस्थान में, मैंने नहीं आपने दिखाई दी, सारे इनके रथों पे लग गए गलती से। कोई बात नहीं, पुराने फोटो आए तो पता चला ये तो कांग्रेस में कार्यकर्ता थे, कांग्रेस में काम करते थे, एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। तो ये इनके पास जो फौज है पूरी की पूरी, वो बहुत लोग कांग्रेस से जा रहे हैं अब, लेकिन चलो ये तो मिला जुला खेल चलता आया है। लेकिन बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, विचारधारा की बात करती है, नीति सिद्धांत की बात करती है, सबको छोड़कर सिर्फ चुनाव जीतने में लग गई। एनी हाउ चुनाव जीतना, उसके लिए चाहे बीजेपी को कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, उसमें लग गई अभी। कहाँ लड़ रहे हैं बताओ, आप मुझे ये बताओ कांग्रेस में बागी कहाँ से लड़ रहे हैं? अभी एक भी बागी कांग्रेस का सामने नहीं आया, एक बताओ मुझे। बीजेपी के बागी आ रहे हैं सामने, कांग्रेस में तो ऐसा बागी निकल गया है। मैं तो रोज सिविल लाइन में घूम रहा हूँ, हमारे तो एक भी जगह नहीं मिला। वो तो माड़ा पहना रहे हैं लोग, माड़ाएं खरीद खरीद के खड़े हैं। ये सारे मामले कांग्रेस के नेता को ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा अभी। विद्रोह जो आए, यदि कोई आएगा नजर तो कांग्रेस नेतृत्व देख लेगा, लेकिन अभी जितना विद्रोह बीजेपी में हुआ है, जो हालात बीजेपी में क्रिएट हुए हैं, वो आप सब जानते हैं। बीजेपी कार्यालय पे आज भी पुलिस है, बीजेपी के नेता उनके साथ पुलिस चल रही है, क्योंकि अकेले चलने में दिक्कत आ रही है। और बीजेपी का एजेंडा कैसे भी कांग्रेस को टारगेट करके माहौल बना के, वही पुराना एजेंडा है। मैं तो आज आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी आज भी अफवाहों के बाजार में सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर, धार्मिक टकराव दिखाकर और वोट लेना चाहती है। बीजेपी अपने काम के आधार पर वोट नहीं लेना चाहती। बीजेपी यदि काम के आधार पर वोट मांगे तो बीजेपी जीरो है, बीजेपी तो वहीं आ जाती है घूम फिर कर। अब की बार वो दाव चल नहीं रहा, लोग कह रहे हैं कि ये बात गलत है, जिस तरह की पुराने मुद्दों पर आती है बीजेपी, वो ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। ईडी से भी कांग्रेस के नेता इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या माने वो वाकई में वो ऐसा कुछ किए तभी तो ईडी से इतना घबरा क्यों रहे? कौन घबरा रहा? कांग्रेस के नेता ने तो पूर्ण घबराए हुआ, तो बताओ तो ईडी में से क्या फर्जी आप लोगों को परेशान कर रहा है या जबरदस्ती परेशान कर रहा है कांग्रेस के नेताओं को? आप एक बात एक बात बताइए बताइए, ईडी, सीबीआई, एसओजी, सीआईडी सब अपना अपना काम कर रही है, हमारे रोकने से कोई रुकने वाला है क्या? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि केंद्र की शक्तियां भी रोकनी चाहिए। जब राज्य की एजेंसियां रुक गई तो केंद्र की एजेंसियां भी रुकनी चाहिए। आप इलेक्शन में जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, उसके बाद क्या एजेंसियों को अधिकार है क्या चुनाव वाले स्टेट में जाकर इस तरह से अपनी पावर का यूज करने का? कोड ऑफ कंडक्ट के बाद अब आपने कार्रवाई की है तो चुनाव आयोग कुछ भी नहीं है इसका मतलब, जो कैंडिडेट घोषित हो गए करके। तो चुनाव आयोग का रूल्स रेगुलेशन क्या सिर्फ कांग्रेस पर ही लागू होगा, कांग्रेस शासित राज्यों पर, या बीजेपी की सरकारों पर भी लागू होगा? चुनाव आयोग तो सबके लिए बराबर है, चुनाव आयोग को तो सबको बिल्कुल पाबंद करना चाहिए। आज हम क्या किसी एजेंसी को मुख्यमंत्री या
मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर वो कह सकते हैं राजस्थान की किसी एजेंसी को कि आप वहां कार्रवाई कर दो? नहीं कह सकते। यही तो बात मैं उठा रहा हूं आपके सामने। क्या उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े शहरों में पोस्टर लग रहे हैं वो देखते हुए आ रहे थे, दो चेहरे ही दिखाई दे रहे हैं, न तो आला कमान कुछ है न ही कार्यकर्ता कांग्रेस में कुछ है, खाली ये दो लोग ही हैं। तो दो तो दिख रहे हैं उनको, बीजेपी वालों ने दो को तो देखा, बाकी वो नहीं देख रहे हैं। आप बताओ हमारे यहाँ पे चेहरे दो हैं या एक है?